हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे राजाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि इस देश ने एक समय तक पूरी दुनिया पर राज किया था और आज भी इस देश पर एक महारानी ही राज कर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसकी राजधानी को दुनिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, जबकि इस देश का नेशनल डिश है चिकन टिक्का। इस देश में 15,000 से भी ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। स्पार्कलिंग वाइन का आविष्कार भी इसी देश में हुआ था और इसी देश ने पहली बार ट्रेन बनाने के बारे में सोचा था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक समय पे पूरी दुनिया पर राज करने वाले देश इंग्लैंड के। आप बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। इंग्लैंड को पूरी दुनिया इस नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का असली नाम कुछ और है। इंग्लैंड का असली नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। बता दें कि जो इंग्लैंड शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति लैंड ऑफ द एंजल्स से हुई थी, जिसका मतलब है कोनों की भूमि। दोस्तों, इंग्लैंड को यूरोप महाद्वीप में गिना जरूर जाता है, लेकिन यहां से 110 किलोमीटर दूर ग्रेट ब्रिटेन टापू पे बसा हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन टापू का लगभग 75% भाग इंग्लैंड का है और बाकी वेल्स, स्कॉटलैंड और सदर्न आयरलैंड के हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से 59 गुना ज्यादा बड़ा है और जापान से 3 गुना छोटा है, लेकिन इंग्लैंड की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया से 3 गुना ज्यादा है। इंग्लैंड की कुल आबादी 5,60,00,000 के आसपास है। देश की 84% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि 16% लोग गांव में रह रहे हैं। भले ही ये लोग आज भी गांव में रह रहे हों, लेकिन इन लोगों को यहां रहने में भी शहर में रहने जैसा ही लगता है, क्योंकि इंग्लैंड के गांव भी हमारे शहरों से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड हैं। जब भी इंग्लैंड की बात होती है तो इसके इतिहास की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि यही वो देश है जिसने दुनिया के ज्यादातर जगहों पे अपना राज जमाया है और इसका शाही घराना हमेशा से चर्चा में रहा है। भारत और अमेरिका जैसे देशों पर भी एक समय इंग्लैंड का राज हुआ करता था। इतना ही नहीं, इंग्लैंड दुनिया का वो देश है जिसने दुनिया की 88% भूमि पर राज किया है। तभी तो इस देश के बारे में कहा जाता है कि इसका सूरज कभी अस्त ही नहीं होता। ये तो हम सबको पता है कि इंग्लैंड में लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। पूरी दुनिया में इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ के लोग लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ एक आदमी की एवरेज सैलरी $35,000 होती है, जो करीब 26,00,000 के आसपास है। इंग्लैंड में रहना सबके बस की बात नहीं है। ये कितना महंगा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी रखने की पार्किंग स्पेस की कीमत ही लगभग 3 से 5 करोड़ तक होते हैं। अरबपतियों के मामले में राजधानी शहर लंदन दुनिया में पहले स्थान पर आता है, जहाँ पर कुल 72 अरबपति रहते हैं। इसलिए इंग्लैंड को एक अमीर देश माना जाता है और यहाँ लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ बेरोजगारी का कोई नामो निशान नहीं है, हर कोई पढ़ा लिखा है। इंग्लैंड में लोग अपने करियर पे सबसे ज्यादा फोकस रखने वाले माने जाते हैं, खासकर इंग्लैंड की लड़कियां। यहाँ की लड़कियां कम उम्र में ही खुद को हर तरह से सेटल कर लेती हैं। दोस्तों, आपने लंदन के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो यही समझते हैं कि लंदन एक देश है, लेकिन लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इंग्लैंड के लैंडमास का आधे से ज्यादा हिस्सा लंदन का है और इस शहर में आज के समय में रह रहे 25% लोग किसी और देश के हैं। 2016 में आई एक रिपोर्ट की माने तो लंदन शहर रहने के लिए दुनिया का 6ठा सबसे महंगा शहर है। लंदन यूके की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। भले ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन शहर का महत्व कम हो गया हो, पर आज भी ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट के लिहाज से एक ग्लोबल शहर का दर्जा रखता है। बता दें कि इंग्लैंड में 30,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नाम जॉन स्मिथ है। 2015 में जॉन स्मिथ इंग्लैंड का सबसे पॉपुलर नाम घोषित हुआ था। अगर आपको इंग्लैंड में कोई इस नाम का व्यक्ति मिले तो आप बिल्कुल भी शॉक मत होइएगा, क्योंकि यहाँ ये नाम सबसे आम है। पुरुषों के अलावा 1811 में इंग्लैंड में लगभग 1/4 से ज्यादा महिलाओं का नाम ओलिविया रखा हुआ था। नाम रखने के मामले में तो इंग्लैंड वाकई में अलग ही देश है। इंग्लैंड से जुड़ी एक और बात यह है कि इंग्लैंड को इस समय क्वीन एलिजाबेथ हैंडल करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ को ब्रिटेन की रानी कहा जाता है। ब्रिटिश इतिहास में 50 साल से शासन करने वाले आज तक 5 राजा हुए हैं, लेकिन लगभग 63 साल से आज तक राज करने वाली वो प्रथम महिला रानी है। इंग्लैंड की क्वीन कोई आम क्वीन नहीं है। महारानी एलिजाबेथ के ताज में 2,868 हीरे लगे हुए हैं, जिसको वो सिर्फ कुछ खास अवसरों पे पहनती है। एलिजाबेथ द्वितीय, जो ब्रिटेन की रानी है, उन्होंने अब तक करीब 116 देशों में घूम चुके हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके पास पासपोर्ट है ही नहीं। जो देश कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं, वहाँ एलिजाबेथ बिना वीजा के घूम सकते हैं। एक समय था जब ब्रिटेन की महारानी सभी कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुख हुआ करते थे और उसी तरह से शासन किया करते थे जैसे वो यूके में करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि इंग्लैंड की भूमि से 5 किलोमीटर अंदर समुद्र तक जितनी मछलियां पाई जाएंगी, जैसे डॉल्फिन, शार्क वगैरह, इन मछलियों पर इंग्लैंड की महारानी का ही सिर्फ अधिकार है।
बता दें कि यूके में अगर कोई 100 साल का हो जाता है तो क्वीन उसे अपने हाथों से बधाई कार्ड देती है। दोस्तों पूरी दुनिया में दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन आयरलैंड और फिनलैंड के बाद दिल का दौरा सबसे ज्यादा इंग्लैंड के लोगों को आता है। इंग्लैंड के कुछ पुराने कानूनों को जानकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। बता दें कि उस समय जब जानवरों से कोई अपराध हो जाता था तो उनको भी सजा दी जाती थी, यानी कि इस देश में जानवर भी बड़ा संभल के रहते थे। भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत इंग्लैंड ने की थी। क्रिकेट के अलावा वर्तमान समय में खेले जाने वाले ज्यादातर खेल इंग्लैंड में शुरू किए गए थे, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, तीरंदाजी आदि भी। और एक खेल जिसके बारे में जानकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लौस्टरशायर काउंटी में हर साल एक चीज रोलिंग कॉम्पिटिशन होता है, और इस अतरंगी खेल को यहाँ सदियों से खेला जा रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत को पूरी दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, लेकिन अगर बात करें चाय पीने की तो इंग्लैंड इस मामले में सबसे आगे है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा चाय पी जाते हैं। यहाँ लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि उन्हें इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। चाय यहाँ की सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। वहीं अगर इंग्लैंड के खाने की बात करें तो इंग्लैंड के पकवानों की बात ही कुछ और है। यहाँ आपको इतनी वैरायटी का खाना मिलेगा कि आप इंग्लैंड के पकवानों को चखते चखते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ खाना खत्म नहीं होता। इस शाही देश में सुबह लोग उठते ही नाश्ते में एग्स, सॉसेज, बेकन, बीन्स, मशरूम्स और भुने हुए टमाटर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों भले ही इंग्लैंड में यॉर्कशायर पुडिंग, फिश एंड चिप्स और शेपर्ड्स पाई जैसे तरह तरह की ट्रेडिशनल डिशेज हैं, लेकिन चिकन टिक्का मसाला को यहाँ का नेशनल डिश माना जाता है। जी हाँ, वो चिकन टिक्का जो हम भारतीयों की जान है। इंग्लैंड में कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ भारत से भी ज्यादा टेस्टी चिकन टिक्का मिलता है। शायद इसीलिए यहाँ मुर्गियों की गिनती इंसानों से ज्यादा है। यहाँ करीब 15,000 से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जहाँ आपको कई इंडियन डिशेस खाने को मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ घर से दूर होने का एहसास नहीं होता। इंग्लैंड देश में घूमने और देखने के लिए काफी कुछ है। अगर आप इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस देश से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इंग्लैंड कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें शामिल हैं बिग बेन, रेड बसेस, विलियम शेक्सपियर, फिश एंड चिप्स, रेनी सीजन, ब्लैक कैब, डेविड बेकहम, रेड टेलीफोन बॉक्स, बीटल्स और ओएसिस। इंग्लैंड का एक लंबा और प्रसिद्ध इतिहास रहा है। यह अपने शाही परिवार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का विंसर कैसल दुनिया का सबसे पुराना शाही निवास है। इंग्लैंड का मौसम हमेशा सुहाना रहता है और यहाँ घूमने के लिए मौसम कभी भी ज्यादा गर्म नहीं रहता। इंग्लैंड के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला माना गया है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तो हमारे भारत में गर्मियों के मौसम में अहम बात है। इंग्लैंड का पब कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन यहाँ के पब्स में शराब पीना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है। शराब पीना गैरकानूनी है, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स में सार्वजनिक जगहों पर न्यूड होना अपराध नहीं है। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है, अगर कोई शख्स गलत इरादे से न्यूड होता है या किसी को अपसेट करने की कोशिश करता है तो ये अपराध माना जाएगा। इसलिए ब्रिटेन में अक्सर न्यूड होकर प्रदर्शन और रैलियां होती रहती हैं। कई बार रैलियां जागरूकता फैलाने या किसी खास मकसद से की जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लैंड और वेल्स के कानून के मुताबिक यहाँ पर शादी तय छत पर और सीमित जगह पे ही होते हैं। अगर आप यहाँ शादी करना चाहते हैं तो आपको भी इस कानून का पालन करना होगा। क्या आपको पता है इंग्लैंड में ही सबसे पहले रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी? जी हाँ, इसी देश ने पहली बार ट्रेन बनाने के बारे में सोचा था। 1604 में इंग्लैंड में लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काट के डब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। दो सदी बाद फरवरी 1824 में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेवथिक को पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली। ये दुनिया का पहला ऑफिशियल रेलवे इंजन था। साल 1952 में 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक लंदन में इतना पोल्यूशन बढ़ गया था कि इसकी वजह से 12,000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1666 में लंदन में काफी भयंकर आग लगी थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आग से करीब आधा लंदन जल गया था, लेकिन इससे किसी की भी मौत नहीं हुई थी, सिर्फ 6 लोग घायल हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शैंपेन का आविष्कार पहली बार कहाँ हुआ था तो आप जरूर फ्रांस का ही नाम लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्रांस ने 1697 में पहले शैंपेन का आविष्कार किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 साल पहले एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने स्पार्कलिंग वाइन की खोज की थी। शैंपेन मूल रूप से स्पार्कलिंग वाइन है और इसका नाम फ्रांस के एक क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने हैरी पॉटर न देखे हो। बता दें कि इस मशहूर सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग इंग्लैंड की ही रहने वाले हैं। दोस्तों इंग्लैंड या यूके में आपको प्लग सॉकेट वाला कोई बाथरूम नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों के कारण बाथरूम या शावर रूम में सॉकेट की अनुमति नहीं है।
जब तक कि उन्हें सिंक शार से कम 3 मीटर की दूरी पर नहीं लगाया जा सकता। बता दें कि इंग्लैंड में लोगों की औसत उम्र 80 साल से ज्यादा है। इंग्लैंड में कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, लेकिन देश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। आपको बताएं, इंग्लैंड के पास कोई नेशनल डे नहीं है। इंग्लैंड में छुट्टी यहाँ की रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पे दी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अंडर वाटर टनल के जरिए आप इंग्लैंड से फ्रांस तक का सफर तय कर सकते हैं? और क्या आपको पता है दुनिया में पहली बार डाक टिकट का आविष्कार कहाँ हुआ था? बता दें कि 1839 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में डाक टिकट का आविष्कार किया गया था और डिजाइन में महारानी विक्टोरिया को चित्रित किया गया था। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे रईस देशों में से एक इंग्लैंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको इंग्लैंड की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो इंग्लैंड, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।